वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बी एस सी ए जी फोर्थ सेमेस्टर को लेकर, जो हमारा आज का एग्जाम पेपर हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों वीडियो के अंत में अपना स्कोर हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे बी एस सी ए जी फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया था कि एक पवन चक्की चलाने के लिए हवा की न्यूनतम गति होनी चाहिए। दोस्तों पवन चक्की चलाने के लिए हवा की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 10 किलोमीटर पर हावर कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा। गाइस अगर आपको क्लास पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट है सौर आसवन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। दोस्तों कौन सी प्रक्रिया होती है, वो होती है संग्रहण। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर टू का नेक्स्ट दिया। क्वेश्चन नंबर थ्री, बिना शीशे वाले संग्रहण क्या डिजाइन वास्तव में जरूरी है, कैसा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री, ये थ्री का जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा सैप हाइटिंग, यानी ऑप्शन ए रहेगा, अंतरिक्ष मापन तापन के लिए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, सौर संग्रह का कार्य परिवर्तन करना है। दोस्तों सौर संग्राहक का कार्य परिवर्तन करना है तो दोस्तों क्या है, सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर का नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है कि सैटेलाइट के लिए ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों कौन है सैटेलाइट का जो ऊर्जा का स्रोत है, दोस्तों वो रहता है सोलर सेल। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सौर ऊर्जा के दोहन के लिए परावर्तक शीशों का उपयोग किया जाता है जो कि कहलाता है, क्या कहलाता है। गाइस वो कहलाता है हमारा हेलियो स्टेटस। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रत्यक्ष और सूचकता ड्रायर में मूल कार्य सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा गाइस वो रहेगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सात का नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर एट दिया गया, प्रत्यक्ष और सुजुकता ड्रायर को भोजन के लिए क्यों हानिकारक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन रहेगा ए बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा गाइस है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर एट का। एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन हमें दिया गया, सौर तापीय ऊर्जा निम्नलिखित को सुखाने में सहायक है, किसको सुखाने में सहायक। क्वेश्चन नंबर नौ का करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा आलाप एवं। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट रहेगा, यानी फसलें लकड़ी और खाद्य उत्पाद सभी को। ऑप्शन डी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन का। नाइन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में, सौर छत वाले तालाबों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन नंबर टेन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट रहेगा, तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर टेन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन में दिया गया, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत में आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वो कहलाता है। दोस्तों वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर अलेवन है। अलेवन का हमारा गाइस आंसर रहेगा सी उम्ब्रा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है अलेवन का। नेक्स्ट चलते हैं, सोलर वाटर हीटर से गर्म नहीं पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता क्यों। दोस्तों तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, रहेगा जो ऑप्शन नंबर वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी बादल वाले दिनों में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा बादलों वाले दिनों में। नेक्स्ट होगा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर तेरह का। तेरह को चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह में, गैस बेल्डिंग में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। गैस बेल्डिंग में जो ईंधन का उपयोग किया जाता है वो एसिटिलीन का। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा क्वेश्चन नंबर चौदह का। चौदह को चलते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह में, दिया गया नवीनीकरण पर्यावरण संसाधन कौन से हैं। तो दोस्तों कौन से हैं वो हमारा होगा उपयोग सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह का। पंद्रह को चलते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह में, निम्नलिखित में से कौन से अब नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। तो दोस्तों कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर सोलह का करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा गाइस वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर सोलह का। सोलह को चलते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह में, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सत्रह का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा सनलाइट। सनलाइट ऊर्जा का स्रोत है, सनलाइट नभकीय ऊर्जा तरंगे हैं तो हवा। तो ऑप्शन दोस्तों जो सौर ऊर्जा का स्रोत है वो सौर ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर सत्रह का। सत्रह को चलते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह में, ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, क्वेश्चन नंबर अठारह का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ज्वार की गति। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर अठारह का ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस में दिया, जल विद्युत का मुख्य उपयोग किसमें है। दोस्तों जल विद्युत का जो मुख्य उपयोग है वो किसमें है, क्वेश्चन नंबर उन्नीस का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आलाप एवं। इसमें भी हमारा ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस का। उन्नीस के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर बीस में, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के क्या लाभ हैं। दोस्तों जो अनवीनिकीकरण ऊर्जा के स्रोत के लाभ जो हैं वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर भी हमारा आला पेपर रहेगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का भी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पर्यावरण के अनुकूलन है। तो दोस्तों कौन सा संसाधन पर्यावरण के अनुकूलन है वो हमारा नवीनीकरण, ऑप्शन ए राइट होगा 21 का। नेक्स्ट है 21 नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत जो हैं 22 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा हमारा इसमें कम कार्बन उत्सर्जन ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन, बहुत अधिक कार्बन उत्सर्जन तथा कार्बन उत्सर्जन ना होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा,
कार्बन उत्सर्जन का ना होना, तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का नेक्स्ट है, 23 दिया है, इनमें से कौन सी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? दोस्तों ओजोन परत को क्या क्षति पहुंचाती है, तो दोस्तों क्या करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का नेक्स्ट दिया गया है, अब अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से क्या हानि है, तो किससे क्या हानि है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ एबो, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट रहेगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऊर्जा का स्रोत है? दोस्तों मूल ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो का इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका भी राइट होगा 25 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत का उद्योगों पर आधारित है? ऊर्जा स्रोतों के उद्योगों पर क्या आधारित है? क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के उदाहरण क्या हैं? दोस्तों गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के उदाहरण क्या है, 27 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा उपयुक्त डी सभी, ऑप्शन हमारा जो रहेगा गाइस वो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, ई उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट चलते हैं, पी ए एच एस का मानक है, पी ए एच का एस का मानक क्या है? 28 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें गाइस, इसका हमें आंसर नहीं मिला, ये क्वेश्चन हमारा डाउट में रहेगा 28। इसका चलते हैं 29 में, दोस्तों हमारा जो 29 है कि एस टी आई मानक रूप क्या है, एस टी आई का जो मानक रूप है वो क्या है, एस टी आई 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर जो हमारा रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, सौर तापीय का, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा 29 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, सौर हीटर का ऊर्जा का प्रयोग क्या है? दोस्तों सौर हीटर ऊर्जा में क्या प्रयोग है, तो दोस्तों क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा उपयोग सभी आलम डी, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, दिया गया संग्राहकों में सतह में सौर विकिरण की सतह में सौर विकिरण फोकस से जुड़ने के अनुपात को माना जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर आंसर नहीं खोज पाया, ये भी हमारा डाउट में ही रहेगा। नेक्स्ट होगा कि टॉम्स का मानक क्या है? दोस्तों टॉम्स का मानक क्या है? दोस्तों टॉम्स का मानक है टॉक्सिक आर्मी माइक्रो पैल्यूलेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट है 32 के बाद 33 की सीएसपी का मानक रूप है, दोस्तों सीएसपी किसका मानक रूप है? ये दोस्तों है कॉमन सोलर थर्मल पावर का, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट दिया गया एसएपी का मानक रूप है, दोस्तों एसएपी किसका मानक रूप है? एसएपी जो मानक रूप है क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 34 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए स्टैंड एलोन पावर सिस्टम, ऑप्शन ए राइट होगा 34 का। नेक्स्ट 35 दिया है कि वायु ऊर्जा प्रणाली की आपातकालीन स्थिति में रोटर को कौन रोकता है? तो दोस्तों रोटर को ब्रेक रोकता है, ऑप्शन बी राइट होगा 35 का। नेक्स्ट 36 बायोगैस होल्डर ड्रम में कौन सी किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो होगा माइल्ड स्टीन का, ऑप्शन ए राइट होगा माइल्ड स्टीन। नेक्स्ट दिया गया है बायोगैस होल्डर का वजन कितना होता है? दोस्तों बायोगैस होल्डर का वजन कितना होता है? 37 का करेक्ट आंसर जो रहेगा गैस वो भी हमें किसका करेक्ट आंसर नहीं मिला है, ये भी हमारा क्वेश्चन डाउट में ही रहेगा। नेक्स्ट होगा कि कौन से बायोगैस संयंत्र में कोई चलने का योग्य अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा प्रगति डिजाइन प्लांट, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में। नेक्स्ट दिया गया है 39 दिया गया बी के वी आई सी बायोगैस संयंत्र का पूर्ण रूप है, दोस्तों क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो खादी उद्योग बायोगैस संयंत्र, ऑप्शन ए राइट होगा इसका 39 का। नेक्स्ट है 40 में फ्लेटिंग ड्रम प्लांट का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका जीवन काल कितना होता है वो होता है 18 से 23 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट चलते हैं के वी आई सी संयंत्र बायोगैस धारक का संचालन कैसा होता है? 41 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा रोटरी का, तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन 41 का। नेक्स्ट दिया गया जनता मॉडल बायोगैस संयंत्र डाइजेस्टर एक गैस भंडार में कच्छ में कितनी गैस भंडारण की जाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 33%, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है 48 का। नेक्स्ट 42 का नेक्स्ट 43 दिया है के वी आई सी बायोगैस संयंत्र डाइजेस्टर बनाया गया, दोस्तों किसने बनाया गया? माइल्ड स्टील से, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका भी बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट है 44 दिया बायोगैस उद्योग में किसका उत्पादन किया जाता है? बायो मास उद्योग में किसका उत्पादन होता है? तो दोस्तों वो परिवहन ईंधन का, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 44 का। नेक्स्ट है 45 दिया है बायोगैस का उत्पादन स्टार्च के घटक के किण्वन के माध्यम से होता है, तो इसका करेक्ट क्या आंसर रहेगा? 45 का करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों शुगर का, तो ऑप्शन बी राइट होगा 55 का। नेक्स्ट है 46 दिया बायोगैस को भी कहा जाता है, बायोगैस को क्या कहा जाता है? दोस्तों बायोगैस को जो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा बायोडीजल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट 47 दिया है बायो
बायोमीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है, तो दोस्तों बायोमीथेन में जो CO2 की मात्रा होती है वो 32 से 43%, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 48, परिवहन ईंधन में बायोथिनाइल किसके साथ होता है, दोस्तों किसके साथ होता है, 48 का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा गाइस, वो तेल के साथ, पेट्रोल के साथ, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा 48 का। नेक्स्ट है 49, इस वानिकी सामग्री के उपयोग में बायोमास की किस तरह किया जाता है, बायोमास का जो उपयोग किया जाता है किस तरह किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लैगिक अवशेष, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 49 का। नेक्स्ट दिया गया है सीवेज के एरोबिक डाइजेशन का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का करेक्ट आंसर दोस्तों जैव ईंधन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 50 का। नेक्स्ट है 51, स्टार्च फसलों में बायोमास फीड भंडार कैसा होता है, तो कैसा होता है इसका, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, स्टार्च फसलों में बायोमास फीड भंडार एक उदाहरण है, दोस्तों किसका उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गन्ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि 52 नंबर, एक सौर सेल प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो दोस्तों कितनी करता है, क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि सौर बैटरी बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, दोस्तों सौर बैटरी में हम किसका उपयोग करते हैं, उसके करते हैं सिलिकॉन का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट है 54 दिया, सौर पैनल कुकुर किस प्रकार का होता है, सौर पैनल कुकुर किस प्रकार का होता है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 का करेक्ट आंसर है दोस्तों परावर्तक प्रकार का, तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट है 55 दिया, सोलर कुकर किस प्रकार की एक सूर्य टोकरी है, दोस्तों किस प्रकार की एक सूर्य टोकरी है, क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा सोलर पैराबोलिक कुकर, तो ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा 55 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, सौर तालाब का उपयोग है, दोस्तों सौर तालाब का उपयोग क्या होता है, जो सौर तालाब का उपयोग होता है वो होता है सौर ऊर्जा को परावर्तित करना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा यहाँ पर 56 में। नेक्स्ट है 57 दिया है, सौर ऊर्जा का संयंत्र में टरबाइन को चलाता है, दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्र में टरबाइन को कौन चलाता है, तो दोस्तों वो चलाता है ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी भाप, यानी कि स्टीम जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 57 में। नेक्स्ट है 58, सौर की किरणों की तीव्रता अधिक होती है, किसमें होती है, दोस्तों सबसे अधिक जो सौर की किरणों की तीव्रता होती है वो भूमध्य रेखा के समीप होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा 58 का। नेक्स्ट दिया गया, प्रति वर्ग मीटर में कितनी ऊर्जा विकिरण प्राप्त होती है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.36 किलो जूल पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन कि पवन वायु स्त्रोत है, दोस्तों पवन वायु स्त्रोत है किसका उपयोग है, अक्षय ऊर्जा का गैर नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग में से सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आलाप एवो रहेगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गाइस अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।